भारत जब अगले दो दिन बाद अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो इस स्थिति में आपके लिए जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप कितना जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे चैनल amarujala.com पर। आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। शुरू से ही उन्हें सभी धर्मों से प्रेम था। यही कारण है कि वे किसी भी धर्म, जाति या रंग के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। उस जमाने में बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन था और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शादी केवल 12 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में काफ़ी तेज छात्र माने जाते थे। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप से पुरस्कृत किया गया था और इसके बाद साल 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो इतने बुद्धिमान थे कि एक बार परीक्षा के दौरान कॉपी चेक करने वाले अध्यापक ने उनकी शीट पर लिख दिया था कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से ज़्यादा बेहतर है। अपने जीवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परिवार और शिक्षा के लिए बहुत त्याग किया। साल 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें इंडियन सोसाइटी से जुड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पारिवारिक और पढ़ाई की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के उस वक्त को बेहद तकलीफ देने वाला बताया है और उन्हीं परिस्थितियों के कारण पहली बार उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा और हमेशा टॉप करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ की परीक्षा को सिर्फ पास ही कर पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और उनके समर्थक भी थे। चंपारण आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी को बहुत काम करते देखा और वो खुद को रोक न सके और गांधी जी के साथ आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का जमकर समर्थन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से बेहद सरल और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। 1914 में बंगाल और बिहार में आई भयानक बाढ़ के दौरान उन्होंने पीड़ितों की खूब सहायता की। इस प्रकार जब 1934 में बिहार भूकंप और बाढ़ की त्रासदी के बाद मलेरिया से जूझ रहा था, उस वक्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीड़ितों को खुद से कपड़े और दवाइयां बांटी। 1930 में शुरू हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में नजर आए। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार राज्य का प्रमुख बना दिया गया और उन्होंने इस दौरान नमक बेचकर धन की व्यवस्था की। हालांकि इस आंदोलन के दौरान उन्हें कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साल 1934 से साल 1935 तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर प्रसाद को 1935 में कांग्रेस के बॉम्बे सेशन का अध्यक्ष बनाया गया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद उन्हें जबलपुर सेशन का भी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद भी देश के लिए किया गया योगदान सराहनीय है। वर्ष 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर देश की सेवा की और आज़ादी के बाद उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की छवि को मजबूत बनाने के लिए कई देशों का दौरा किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।